हाय गाइस, आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 का साइंस चैप्टर नंबर 1 देखने वाले हैं। तो मेरा चैनल आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलो अभी हम लोग लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स का चैप्टर 1 देखने वाले हैं। तो बायोडाइवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। Last year, we learned that all living organisms on Earth have adapted according to geographic regions, food ingestion, defense, etc. While adapting, many differences are observed in the living organism of same species too. इसपे अभी क्या बता रहे हैं? Seventh standard पे हम लोग ने learn किया कि जो living organism है वो adapted किया था, वो जो adapted किया था ज्योग्राफिक रीजन्स पर अडेप्टेड किया था, फूड इंजेक्शन पे अडेप्टेड किया था, डिफेंस पे और बहुत सारा पे अडेप्टेड किया था। कभी उन लोग अडेप्टिंग कर लेते तो बहुत सारा डिफरेंसेस ऑब्जर्व हुआ था ऑर्गेनिज्म पे। ठीक है, अभी नेक्स्ट वाला। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, अराउंड 87 मिलियन स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फाउंड ऑन द अर्थ इंक्लूडिंग लैंड एंड सी। To study such a vast number is essential to divide them into groups. So groups and subgroups were created considering the similarities and differences among the living organism. तो इस पर क्या बोल रहे हैं? 2000 लेवल पे 87 मिलियन स्पीशीज लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जिसका एनिमल्स फाउंड हुआ था, जिसका है ना लीव करते हैं अर्थ पे, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड हुआ था 2011 पे। 87 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड हुआ अर्थ पे, इंक्लूडिंग लैंड एंड सी पे। तो वास्ट नंबर हम लोग स्टडी करने के लिए उन लोग क्या किया, डिवाइड करा, क्या किन किन से डिवाइड किया था, ग्रुप्स और सब ग्रुप्स थे। तो वो जो ग्रुप्स और सब ग्रुप कभी क्रिएट हुए थे उन लोग का कुछ सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म पे था। अभी दिस प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मतलब अभी जब भी हम लोग डिवाइड करते हैं ग्रुप और सब ग्रुप्स का, तो ग्रुप्स और सब ग्रुप्स को जब हम लोग डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। Robert Harding Whittaker in 1920-1980 was an American ecologist. In 1969 he divided living organism into 5 groups. मतलब Robert Harding Whittaker जो था वो 1920 से 1980 तक वो American ecologist था, और 1969 पे वो divided करा था living organism into 5 groups पे। मतलब इन 1969 पे ये डिवाइड किया था, कैसा डिवाइड किया था, लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप पे डिवाइड किया था। वो 5 ग्रुप नीचे हैं, तो इस पे क्या है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया था। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसा डिवाइड किया था, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स पे डिवाइड किया था। तो फ्रेंड्स, Robert Harding Whittaker in 1920-1980 was an American ecologist. In 1969 he divided living organism into 5 groups. मतलब Robert Harding Whittaker जो था वो 1920 से 1980 तक वो American ecologist था, और 1969 पे वो divided करा था living organism into 5 groups पे। मतलब इन 1969 पे ये डिवाइड किया था, कैसा डिवाइड किया था, लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप पे डिवाइड किया था। वो 5 ग्रुप नीचे हैं, तो इस पे क्या है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया था। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसा डिवाइड किया था, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स पे डिवाइड किया था। तो फ्रेंड्स प्रोकैरियोट्स मतलब जिसका सेली नहीं होता है उसको प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, और यूकैरियोट्स मतलब जिसको सेल्स होता है। तो यूनिसेलुलर मतलब जिसका सेली नहीं होता है, सिर्फ एक सेली रहता है, तो उसका किंगडम है मोनेरा।
सिर्फ मोनेरा ही है प्रोकैरियोट्स का किंगडम, और यूकैरियोट्स पे यूनिसेलुलर भी है और मल्टीसेलुलर भी है। मल्टीसेलुलर मींस जिसका एक और सेल होता है, तो उस पे यूनिसेलुलर में है किंगडम प्रोटिस्टा और मल्टीसेलुलर में है फंगी, प्लांटे एंड एनिमलिया। फंगी मतलब अभी हम लोग एक ब्रेड को एक 15 दिन या फिर एक 5 दिन के रखते हैं, तो उसमें क्या होता है ग्रीन टिन कलर का कुछ आता है, तो जो सेल वॉल उसको फंगी मतलब वही कहते हैं। और प्लांटे को क्या बोलते हैं ना, जिसका सेल वॉल वो खुद ही प्रेसेंट करते हैं ऑर्गेनिज्म से, तो इस पे क्या लिखा है, सेल वॉल प्रेसेंट एंड ऑर्गेनिजम्स कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, वो उसका ही खुद ही करता है। और एनिमलिया को सेल ही वॉल नहीं होता है, तो ये 5 किंगडम सिस्टम का है। तो इतना ही हम लोग देखेंगे अभी, नेक्स्ट ये पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 पे मैं आपको दूसरा पेज सिखाऊंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।